So friends, today we are going to understand mainly, mostly related to an indicator which is known as moving average. So my dear friends, moving average is an indicator which is really important while doing trading. Agar aap market mein trading kar rahe hain, to moving average is the very important indicator. Ab kitne log hain jo moving indicator lagate hain? Abhi tak to humne gap up theory samjha, gap down theory samjha. Kal humne volume based game samjha tha. To कल का ही एक बार मैं आपको बता देता हूँ वॉल्यूम बेस्ड गेम. अगर आप देखेंगे तो इंडिया सीमेंट में आज जो हमने डिस्कस किया था, इंडिया सीमेंट ने कमाल का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिया. हालांकि मुझे लगता है यहाँ से अभी भी बहुत इसमें इंडिया सीमेंट्स में अभी भी बहुत जबरदस्त तेजी बाकी है होनी. हालांकि फिर से कहूंगा, मैंने कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर देना है, मैंने आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ. स्टिल मैं पोजिशनली काफी एक्सेप्शनली बुलिश हूँ कंपनी पे. आज देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग सा बुल कैंडल बना है यहाँ से, विच इज ऑल्सो नोन टू बी मेरा बुजू कैंडल. सो जो लोग मेरा बुजू कैंडल का डिफिनीशन समझते हैं, जो लोग मेरा बुजू कैंडल समझते हैं क्या होता है या मारा बुजू कैंडल, दोस पीपल आर एबल टू सी वॉट आई एम ट्राइंग टू से. आज का जो इंडिया सीमेंट्स का चार्ट बना है वो कहीं ना कहीं मार्केट को एक वन वे डायरेक्शन की तरफ ऊपर ले जाता हुआ नजर आ सकता है. तो दोस्तों ख्याल रखें कि अब जो शेयर यहां पे बाई करने का मौका था, कहीं ना कहीं मैंने इस शेयर को खुद रिकमेंड किया है अपने क्लाइंट्स को, जिनको मैं पर्सनली अभी काम करवा रहा हूं. आप सब ने जिन्होंने भी कमाया उनको बहुत सारी बधाइयां, जिनका मिस हो गया उनके लिए फिर हम लोग कोई नए स्टॉक्स के साथ वापस आएंगे. एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मैं, चूंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो जाएगा तो मैं एक ही बात कहूंगा कि कोई भी आप लोग ऐसा कदम ना उठाएं रिटर्न के लालच में जहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा हो और लॉस होने की भी संभावना बहुत ज्यादा हो. तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब हमारे साथ होंगे. तो आइए इसी से शुरुआत करते हैं. आज का जो ब्लॉकबस्टर ऑफ द डे है और द ब्लॉकबस्टर ऑफ द मंथ है फॉर द जनवरी, पहला ब्लॉकबस्टर आ चुका है, उसके साथ दिन की शुरुआत की जाए. आज का हमारा दोस्तों जो इंडिकेटर है उसका नाम मूविंग एवरेज, सिंपल वर्ड मूविंग एवरेज. मैं एक बार फुल स्क्रीन करने की कोशिश करता हूं ताकि आप तक ये बातें समझ में आए, पहुंचे, और जिन तक पहुंच पा रही होगी वो प्लीज कमेंट करके बताएं. तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इट वॉज अ रियल टाइम टू बाई द स्टॉक. यहाँ पे बाई करने वाला प्राइस था जब शेयर यहां से अपने मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है. तो आप देख सकते हैं 185 के आसपास शेयर मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है. दोस्तों हमने हर एक कस्टमर्स को, जो भी हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं, सबको ये शेयर दिलवाया, सबको. एवरीवन हैड मेड मनी टुडे. जो नहीं कमा पाए अनफॉर्चुनेट रहा होगा, आपने नहीं भी कमाया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम लोग ये देखते हैं कि हमने क्यों लिया, क्या डिसीसिव ट्रेंड है, क्या ये सिर्फ टेक्निकल कॉल है या फंडामेंटल भी है, उसको भी हम लोग आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं. तो देखो पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा. आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ना मैं बहुत ही आपके सामने, ये जो कैंडल है बेसिकली इसको मैंने क्या करने वाला हूं, आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है इसी को हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज. आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है, दिस इज नोन एज मूविंग एवरेज इंडिकेटर. ये 9 डे का मूविंग एवरेज है. 9 डे का मूविंग एवरेज हम लोग काउंट नहीं करते हैं. अगर आप बड़े ट्रेडर हैं या बड़े इन्वेस्टर भी हैं तो आपको मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है रोज देखना पड़ेगा, अगर आप बड़ा पैसा डालना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में. तो अगर आप छोटा पैसा से, अगर आप टाइम पास करने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये प्रोग्राम, ये सेशन बिल्कुल ही नहीं है. अगर आपने वैल्यू कमाना है, अगर आपने बिजनेस को की तरह मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको प्रायोरिटी से वेल्थ कमाना है तो आज का सेशन आपके लिए आई ओपनर हो सकता है. इसके बाद भी मैं कहूंगा कोई गारंटी नहीं है कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा के भी हमेशा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ह्यूमंगस है, चैलेंजेस रहेंगे इसके बाद भी. अब आप बोलेंगे कि क्या ये इंडिकेटर लगाऊंगा तो मेरा पैसा बन जाएगा, आंसर इज बन तो सकता है बट आपके एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है. आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने इस इंडिकेटर को लगाया है और अभी इसकी 9 रखी है वैल्यू. हम लोग इसके 9 डेज को ना, पहले तो हम लोग चेंज करके करेंगे 9 डेज को 20 डेज. तो मेरा पहला जो मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है वो 20 दिन का मैं यूज करता हूँ. जो लोग प्रोग्राम को ध्यान से समझ रहे हैं वो याद रखें, मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर होता है वो स्टॉक के लास्ट 20 डेज के लास्ट ट्रेडेड प्राइस या फिर क्लोजिंग प्राइस का एवरेज होता है. एवरेज मतलब दोस्तों कहाँ पे एवरेज हो रहा है, एवरेजिंग का जो रूल होता है वो मूविंग एवरेज
तो इसका मतलब सपोज आज कोई शेयर 10 रुपए पे बंद हुआ, कल 11 पे हुआ, परसों 12 पे हुआ, परसों 13 पे हुआ, तो ऐसे ही अगर आप करते रहेंगे तो उसका जो 10 डेज का एवरेज होगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज, ये बतलाता है हमें कि स्टॉक कितना बुलिश है और कितना बियरिश है। तो दोस्तों कल हमने जो वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस सीखी थी ट्रेंड पकड़ने का, अगर आप सोचे उसी में सोने पे सुहागा कर दिया जाए, अगर वॉल्यूम, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मूविंग एवरेज तीनों को एक साथ लगाया जाए तो कहीं ना कहीं जो चार्ट है उसका जो समराइजेशन है वो जबरदस्त होगा। तो मैं फिर से मैं कहूंगा कि जो लोग थोड़ा सा भी मूविंग एवरेज के बारे में समझते हैं, अभी देखिए हम लोग कोई भी ईएमए एसएमए ये सब के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों, अभी मैं आपको एबीसी सिखा रहा हूं, कृपया एबीसी तक टिके रहें, एक्स वाई जेड पे जाएंगे नुकसान हो जाएगा। फिर से मैं कहूंगा मार्केट को सरलता से समझें, एसएमए ईएमए कुछ नहीं रखा है इसमें, सबसे पहली चीज मैं आपके सामने सरल बने, मार्केट का पहला रूल, लाइफ का सक्सेस का पहला रूल, अपने पर्सनालिटी को सिंप्लीफाई करें, हमें सिंप्लीफाई करना है, हमारा पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्सिटी डिसऑर्डर से नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो, तो इसलिए हमें क्या करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट, नो इफ नो बट, क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाना है, कैसे लगाना है, 20 डे का मूविंग एवरेज मित्रों लगाइए, 20 डे का वो लगाइए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोग नोट्स करते चलिए, सेशन रिकॉर्ड पे फिर भी नोट कीजिए, अगर आप ट्रेडिंग मार रहे हो रोज, अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहे हो, आज एक शेयर में ब्रेकआउट आया है, अब मैं कैसे बताऊं कि ब्रेकआउट आया है दोस्तों, तो उसका चार्ट आपके सामने खोलता हूं। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई टिप दे रहा हूं, टिप वगैरह हम लोग देते नहीं है, टिप देते नहीं है, ओनली फॉर आवर ओन कस्टमर्स, जो अपना अकाउंट खोल के काम करते हैं, सिर्फ उनको, उनके लिए सेवा जारी है। आप देख सकते हैं शेयर, मैं काफी दिनों से काफी हेविली इसको रिकमेंड कर रहा हूं अपने कस्टमर्स तक, और ये भी बता रहा हूं कि यहां पे ये जो शेयर है इस साल का सबसे बड़ा मैराथन रनर बन सकता है निफ्टी का। तो जैसे पिछला साल स्टील का हवाले हुआ, इस साल आपको कुछ बड़े बड़े आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इन स्टॉक्स में, कंपनी का नाम आपके सामने दिख चुका है। दोस्तों एक और बात आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, नोट्स बनाते चलिए, देखिए हमने यहां तक मूविंग एवरेज लगा रखा था 9 डेज का, 20 डेज का, यहां तक हमने शेयर को टच भी नहीं किया, कहां तक, 23.10 पे हमने बाइंग कहां पे की दोस्तों, यहां पे बाइंग करी है इसके ऊपर। अब अभी दोस्तों अगर आप बाई करके बैठे हैं शेयर, एक एग्जांपल दे रहा हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर का, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, अगर दोस्तों आप शेयर को बाई करके बैठे हैं तो आपका पहला स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका पहला स्टॉप लॉस ये होगा, ये होगा मतलब ये, चूंकि आप देख रहे हैं ये मूविंग इंडिकेटर, ये जो मूविंग एवरेज है ये धीरे धीरे ऊपर खसक रहा है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा तो नेचुरल है कि ये जो मूविंग एवरेज का जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल सिंपल चीजों को सिंप्लिसिटी के साथ अगर समझ लें तो शेयर बाजार में सक्सेस मिलेगा। 10 कॉन्सेप्ट, 10 टेक्निकल चार्ट, 10 इंडिकेटर पैसा नहीं बना के देगा। कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, लोग लाख लाख रुपए का सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ही आपको क्या बताएगा, सॉफ्टवेयर प्राइस का चेंज ही बता सकता है। तो आप प्राइस के चेंज को यहाँ पे देखें ना, कहने का मतलब तात्पर्य सरल है, यहाँ पे एक अपसाइड पोटेंशियल ठीक ठाक दिख रहा है। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जैसे ब्रिटानिया है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर से मैं कहूंगा दीज आर नॉट एनी रिकमेंडेशन, प्लीज कॉन्टेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर पुटिंग एनी सिंगल पेनी इन द मार्केट। ब्रिटानिया का भी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 38 दिसंबर के आसपास आया है, एंड यू कैन सी क्लियर कट अ डिसरप्शन इज हैपनिंग एंड 3500 से 3700 की जर्नी आ चुकी है। देर आर फ्यू मोर स्टॉक्स विच आई विल शेयर, सेफ पीडी लाइट, सो दीज आर द कंजम्पशन स्टॉक्स, और आप देखिए पीडी लाइट में आज कितना जबरदस्त कैंडल बना है। सो दिस इज क्लियर कट गिविंग अस एन आइडिया दैट, अब आप बोलेंगे कि पीडी लाइट का कैंडल कहां बना है, पीडी लाइट का कैंडल 10 दिसंबर को ही बन गया था, एंड यू कैन सी एक्सेप्शनल मूव्स इन पीडी लाइट शेयर्स दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 23.3 टू 27.23। सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस पे दोस्तों बताना चाहूंगा कि अभी भी ये सारे शेयर्स बाइंग में चल रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, बिटकॉइन वगैरह में पैसा लगाते हैं, लगाते ही होंगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ पैसा नहीं लगाइए, पैसा लगाइए, अगर आप लगा रहे होंगे तो ये देखिए, अभी देखिए बिटकॉइन की हालत देखिए, काफी करेक्शन है, काफी ज्यादा गिरावट है, तो बिटकॉइन को हमेशा यहाँ पे केयरफुली एक्सेस करें और ट्रेड करें। पैसा कभी भी, अगर आप देख सकते हैं अभी इसने सपोर्ट तोड़ दिया यहाँ पे,
तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए था, $48,000 के पास आपको निकल जाना था। आंख बंद करके निकल जाइए क्योंकि अभी ये ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। अब ओवरसोल्ड जोन से बाउंस के लिए कुछ चीजें होती हैं जिसको हम लोग कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। कोई शेयर ले लीजिए, जैसे गेल ले लीजिए। मैं आपके सामने कुछ स्टॉक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा धर्म है। ये देखिए, गेल में यहाँ पे 131 रुपए के ऊपर निकला है, तब से एक बाउंस बैक अच्छा आया है। कुछ और शेयर्स ले लीजिए, ONGC। मैं आपके सामने क्लासिक केस स्टडी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 143 के ऊपर बाइंग थी, सिंपल इंडिकेटर्स है। लेकिन इसके बाद भी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई भी शेयर जो कि अभी डिक्लाइनिंग स्टेट में है, जैसे RBL बैंक पकड़ लीजिए। चलिए, RBL बैंक आप सबका फेवरेट भी है, बहुत लोग इसमें बहुत उम्मीद लगाए बैठे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, हीरा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी तो इसका मूविंग एवरेज 157 के आसपास है। तो सरलता से समझे, 157 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलता है, तब तक अगर आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर को फॉलो करते हैं तो इसको बाई करने की चेष्टा मत करें। हालांकि हमने जो गैप थ्योरी समझी, जो हमने कुछ टेक्निकल एनालिसिस करी, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी कुछ रिस्क रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से मैनेज करके बाई कर सकते हैं। कुछ और चीजें हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लीजिए, जो कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शेयर है। आप देख सकते हैं अभी अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप सिंपल इंडिकेटर लगाते हैं तो 2300 का जो लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलें। चाहे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए जो मूविंग एवरेज है, उनका जो पैरामीटर है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि RBL बैंक ही ले लेते हैं। चलिए, RBL बैंक बोलेंगे, पुष्कर मुझे एक बात बता, RBL बैंक का मूविंग एवरेज लगा के क्या दिखता है? तो देखिए, मूविंग एवरेज RBL में हम लोग फिर 200 दिन का लगाएंगे। 200 दिन का क्यों लगाएंगे, उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। तो देखिए, अब ये 190 का जिस दिन लेवल तोड़ा था ना, उसी दिन आपको यहां से एग्जिट कर देना था। फिर से कानों के पीछे मैं आपके बोल रहा हूं, ध्यान से सुन के नोट कर लीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ देता है, सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं, सिर्फ मूविंग एवरेज, नो SMA, नो EMA, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट द जार्गन्स, वी आर नॉट एट ऑल ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट द स्टडी, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर सिंपली ट्राइंग टू एडहोर विद द बेसिक थिंग, व्हाट एवर वी हैव लर्नड इन टिल डेट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो व्हाट एवर द थिंग्स आई वॉन्टेड टू हाईलाइट टू यू, यहीं पे निकलने का था। अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर डोंट ब्लेम, hey, I am in loss and I am in gain, I am in this, I am in that. So, ये जो अब आप बोलेंगे, जैसे एक तो क्लासिक केस ऑफ लॉस का एक है, इंडिया सीमेंट्स का अगर आप देखेंगे तो इसका जो मूविंग एवरेज था, ये दोनों तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बुलिशनेस दिखेगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, तो लोगों को समझना पड़ेगा कि इंडिकेटर कैसे लगाना है। और सिर्फ इंडिकेटर से कुछ नहीं होता है माई डियर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि अगर आप सिर्फ इंडिकेटर की थोड़ी सी पढ़ाई करके आप शेयर मार्केट में पैसा लगा लोगे, मैं चैलेंज करता हूं, इतना आसान नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं कंपनी का परफॉर्मेंस भी तो इंपॉर्टेंट है ना। कंपनी एक अठन्नी नहीं कमा रही है, कंपनी एक ढेला का रुपया नहीं कमा रही है। और आप कितना भी उसका एरी चोटी लगा दो, कितना भी आप उसका टेक्निकल एनालिसिस कर लो, पैसा नहीं बनेगा। ट्रेडिंग में आप भले 2-4 रुपए ऊपर नीचे काट सकते हो, लेकिन वहां पर जब जाएगा तो पूरा का पूरा जाएगा। आप देखिएगा, ये वाला जो लेवल है 185 के आसपास का, और यहीं पे बाई करना इसको रिकमेंडेड भी था। तो जितने भी अच्छे एनालिस्ट हैं, जितने भी अच्छे ब्रोकिंग हाउस है, उन्होंने यहीं पे रिकमेंड कराया अपने कस्टमर्स को। और आप देख सकते हैं कि अब ये अनचार्टेड जोन में जा चुका है। अनचार्टेड जोन में मतलब यहां से इसका जो ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कितना भी ग्रोथ कर सकता है। इसकी कोई ग्रोथ की वैल्यूएशन, इसका कोई ग्रोथ का पैरामीटर यहां पे फिक्स नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो 200 दिन का मूविंग एवरेज लगा लें। आप इन्वेस्टर हैं तो भी 200 दिन का मूविंग एवरेज लगाए बिना ट्रेडिंग मत करें, बिकॉज दिस इज एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट। आपका कोई भी डाउट हो प्लीज क्वेश्चन पूछें, लेकिन उससे पहले ये ध्यान दें कि मूविंग, अब जैसे नैस्डैक की बात करता हूँ, मेरे एक दोस्त का सवाल अभी मेरे को व्हाट्सएप पे आया है, जो कि अभी यहाँ उसका एक क्वेश्चन भी है। नैस्डैक की बात करते हैं, सॉरी ये नैस्डेक INC आ गया, एक सेकंड, नैस्डेक इंडेक्स की बात कर लेते हैं। समझना पड़ेगा दोस्तों, घबराने से पैसा नहीं बनेगा। ये देखिए, नैस्डेक का 200 दिन का मूविंग एवरेज नीचे है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो सबसे पहले आप कौन सा मूविंग एवरेज ट्रैक करोगे 20 दिन का?
माय डियर फ्रेंड्स, ब्लड बाथ हो रहा है यहाँ पे, ब्लड बाथ। अब आप बोलेंगे बैंक निफ्टी तो बढ़ रहा है, निफ्टी तो बढ़ रहा है। ठहरिए, अभी तो पहले आपको ये समझना है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। अब आप देखिए बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट पे चल रहा है, अगर ये सपोर्ट तोड़ देगा तो सीधा ये यहां आ जाएगा, यहां 14,700 जिसकी संभावना पूरी दिख रही है। नैसडेक अपने ऑलमोस्ट बात करें तो 26 अक्टूबर के बाद अभी सबसे लोएस्ट लेवल पे, लेकिन इसकी बात आपको कोई इंडिया में रिसर्च एनालिस्ट नहीं करेगा। सपने दिखाए जा रहे हैं, इंडेक्स पहाड़ पे घुस रहा है, पहाड़ पे जा रहा है, और लोग जो सपने देख रहे हैं उनको उनका सपना मुबारक। मैंने तो इस साल की शुरुआत में हर इंसान को कह दिया भाई कॉशियस रहिए, पिछले साल का कमाया हुआ रिटर्न्स को बराबर से होल्ड कीजिए, अगर रिटर्न नहीं कमाया है तो फिर से जंग में लड़िए, इंट्राडे कीजिए, अपने आप को बचाइए, मार्केट में कैपिटल बचाइए, राहुल द्रविड़ इनिंग स्टाइल में बैटिंग कीजिए, सहवाग की तरह रोज का बड़ी शॉट्स लगाएंगे, आपको भी पता है आंसर। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, खुले खुले किताब में कितना भी बड़ा ट्रेडर, ये लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, सिंपल सी बात है दोस्तों, समझ में नहीं आती है। देखिए ये जो लाइन है ना, अब मैं आपको एक चैनल भी बना देता हूँ, ये देखिए, ये जो ये ना एक बहुत बड़ा चैनल है, एक सेकंड में इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल चीजें ही हम समझ नहीं पाते, हम अपने आप को झूठ बोलते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं कि नहीं ये मार्केट तो बहुत ऊपर जाने वाला है। आप खुद से पूछ के देखिए इकोनॉमी में कितना ग्रोथ है, आप क्या आपने कितना आपकी इनकम में कितना ग्रोथ है, आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए वहां पे कितना परसेंट ग्रोथ है। अगर आपको आंसर लगता है यस तो आप जरूर बाई कीजिए। आपको मैंने पहले भी कहा है, इस साल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बुरा मत मानिएगा, इस साल वही बंदा पैसा कमाएगा स्टॉक में जिसको सटीक स्टॉक का इंफॉर्मेशन है। ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा क्या है, एक बार मैं कर्सर यहाँ अटक गया है, मैं एक बार आपके लिए ना ये लाइन थोड़ा स्ट्रेट कर रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है देखिए दोस्तों, एक सेकेंड, ये दिख रहा है आपको, ये ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब ये देखिए, चैनल बन चुका है दोस्तों, अगर आप चैनल का मतलब समझते हैं तो ये देखिए एक चैनल, ये देखिए दूसरा चैनल, ध्यान से देखिएगा। ऐसे आपको कोई भी नहीं सिखाएगा बाजार में, बाजार में हर इंसान, और ये देखिए तीसरा चैनल, अगर ये चैनल नीचे आ गया ना तो याद रखिएगा ब्लड बात है। टेक इंडेक्स कोलैप्स करना, एक ही दिन में जितनी मार्केट में तेजी दिखाई है ना, एक से दो दिन में साफ हो जाएगा पूरा का पूरा पैसा। केयरफुल रहें, FIIs की बाइंग को ट्रैक करें, पुराने वीडियोस देखें, एक मेंटोर के अंदर में ट्रेडिंग करें, जल्दीबाजी मत करें, रातों रात अमीर बनने का सपना मत देखें, जैक वोगल को फॉलो करें। ये देखिए यहां से एक और, मैं कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर भी जा सकता है। देखिए मैंने आपके लिए चार्ट बना दिया है, लेकिन अगर ये पॉइंट, मैं एक सेकंड इसको ना आपके लिए, मैं यहां एक पॉसिबिलिटी बहुत ह्यूज है कि मार्केट में कभी भी एक जैक, जैसे जैक होता है ना जैक, वैसे जैक की तरह जैक पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है पूरा पूरी नैस्डैक में। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो हमने सिर्फ चैनल पैटर्न तो मैंने आपको बस अभी बना के बताया, लेकिन चैनल पैटर्न से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, आपके सामने एक कलर जो आइडेंटिफिकेशन में आपको दिख भी रहा होगा, मैं एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूँ वरना बाकी लोग कंफ्यूज होते रहेंगे, तो इसका कलर कर देते हैं ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर थोड़ा यूनिक भी है, आप देख सकते हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये ब्लू कलर का मैंने यहाँ पे ना इसका कलर चेंज कर दिया है। कोई भी खरीदने का जल्दी मत करें, नैसडैक में पैसा डालें ETF के फॉर्म में तो भी जल्दीबाजी मत करें, जल्दीबाजी है तो प्लीज कसीनो जाके अपनी जल्दीबाजी को क्लियर कर ले, यहाँ पे जल्दीबाजी करेंगे बाइंग में नुकसान होने की चांसेस ज्यादा है। अभी देखिए नैसडैक परफेक्ट सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर आज, ऐसा मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आज नैसडैक की सपोज क्लोजिंग नीचे हो गई ना यहाँ पे, यहाँ मतलब 100 पॉइंट भी नैसडैक नीचे गिर गया ना, तो फिर क्या है ना, ये जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल इन चैनल है, फिर यहाँ से कितना भी गिर सकता है। तो दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, ऐसी एनालिसिस आपको बताना इतना आसान काम नहीं है। आप सबको अभी मैं, आपको लग रहा हो कि अभी मैं मार्केट के बारे में पॉजिटिव होता हूँ, फिर मैं आपको अमेरिकन मार्केट में निगेटिव व्यू दे रहा हूँ, मैं निगेटिव नहीं दे रहा हूँ,
ये कोई निगेटिव नहीं है, अमेरिकन मार्केट अभी भी बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है. अगर आप एनुअल रिटर्न्स देखेंगे तो दे हैव गिवन द एक्सेप्शनल रिटर्न्स इन द वर्ल्ड. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बी रेडी फॉर ए क्रैक डाउन. अभी आप देखेंगे तो डाओ इज फॉलोइंग नैस्डैक, नैस्डैक का मूवमेंट ज्यादा फास्ट है, डाओ इज जस्ट अ फॉलोअर, एसएनपी इज जस्ट अ फॉलोअर, क्योंकि एसएनपी में 500 शेयर है, डाओ में 30 शेयर है, बट नैस्डैक में 100 शेयर है. इट इज लाइक निफ्टी ऑफ अमेरिका. सारी टेक कंपनियां इंक्लूडिंग एप्पल, अल्फाबेट, नेटफ्लिक्स, एमेजोन, हर कंपनी आपको यही दिख रही है दोस्तों, इसी इसी सर्कल में है. तो याद रखिएगा. और यहां से जो तेजी आई थी ना, मैं एक बार इस तेजी को के भी ग्राफ को बना देता हूं. ये काम यही आर्टिस्ट का काम है दोस्तों. जो आर्टिस्ट होते हैं ना शेयर मार्केट के, उनका काम यही होता है. ये देखिए, यहां से नन स्टॉप रैली आई थी. मैं इसका कलर क्या कर दूं, आप सबके लिए ग्रीन कर देता हूं. मुझे लगता है डब्ल्यू पैटर्न बनेगा. जो लोग हमारे प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज, वैसे तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी मैं डालता हूं, लेकिन फिर भी जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप समझ रहे होंगे मैं कहने की क्या प्रयास कर रहा हूं. डब्ल्यू बनने की तैयारी शुरू हो गई है. अब आप कुछ भी कर लीजिए, डब्ल्यू बनने वाला है. और ये डब्ल्यू देखिए कुछ इस प्रकार का बनेगा. नैस्डैक 14,355 तक आने की संभावना है. तो अभी बहुत केयरफुल रहे बाइंग के लिए. अगर $1,000 लगाने हैं तो $800 बाद में लगाएं, करेक्शन कंप्लीट होने के बाद. ये देख सकते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न. अगर आप सबको डब्ल्यू दिख रहा है तो प्लीज ताली एक बार जरूर क्लैप करें खुद के लिए, बिकॉज ऐसा क्राफ्टिंग करना इतना आसान नहीं होता है. जो लोग मार्केट में इतने दिन से काम कर रहे हैं उनसे पूछ के देखिए, इट इज नॉट एट ऑल ईजी. ये जो काम है ना, आपको बताना चाहूंगा, जो लोग मार्केट में रेगुलर दिन रात लगे रहते हैं ना, 90% लोगों का आई साइट कमजोर हो जाता है. आप क्योंकि आप दिन भर में 10 घंटे तो स्क्रीन देख ही रहे हो, चाहे आप लैपटॉप का देखो, चाहे कंप्यूटर का देखो, चाहे टीवी का देखो, चाहे मोबाइल का देखो. सो दिस हैज टू कम, दिस इज अ डब्ल्यू एंड द डब्ल्यू विल टेक इट्स एक्शन. रिकवरी के चांसेस हैं भी तो यहां से हैं. जब तक ये 16,600 का लेवल काटेगा नहीं, यहां से बहुत बड़ा आपको तेजी करने का नहीं. और अगर नैस्डैक में देखिए, जो अगर प्रेशर बना रहेगा तो आपको भी पता है, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, जितनी बड़ी इंडिया की आईटी सो कॉल्ड कंपनियां हैं, उनका क्या हाल होने वाला है. टेक बबल है, इट्स अ टेक बबल, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड. दिस इज अ हाईली टाइम टू बी वेरी कॉशियस. 10 दिन की कमाया हुआ पैसा मार्केट एक दिन में भी नहीं, एक घंटे में ले जाता है दोस्तों. आज अपर सर्किट लगा तो जरूरी नहीं आपने पैसा कमाया होगा, लेकिन हो सकता है जिस दिन लोअर सर्किट लगेगा आप उस शेयर को बाई करके बैठोगे, वो भी फ्यूचर में. ऐसा कह के मैं आप सबको प्लीज बुरा मत मानिएगा, घबराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जो रियलिटी है वो स्केरी है. बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते जा रहे हैं. अमेरिकन मार्केट के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए हैं, यूरोपीय मार्केट के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए हैं. केयरफुल रहिएगा दोस्तों, केयरफुल, वरना जहां केयरलेस हुए मार्केट सब ऐसी तैसी कर देगा. तो ये वाला जो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है ना, मार्केट में श्योर शॉट काम आता है. ये तो 20 दिन का मूविंग एवरेज है. चलिए, अब मेरे को एक दर्शक ने अभी बेस्ट मैसेज किया है, यहाँ पे मैसेज नहीं किया, पर्सनली मैसेज किया है. हे पुष्कर, कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन टू 50-day मूविंग एवरेज, लेट्स अप्लाई 50-day. देखिए 50-day के भी डाउन चला गया, देखते रहिएगा बस. जस्ट ट्राई टू एनालाइज द चार्ट. देन 100-day ने मुझे फिर मैसेज किया, 100-day के भी नीचे जा चुका है दोस्तों. आज नैस्डैक अगर 100 दिन के नीचे क्लोजिंग देता है तो बहुत बड़ा टांडव मच सकता है अमेरिकन मार्केट में. याद रखें इस बात को. ऐसा मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं आपका वीकेंड खराब करना चाहता हूं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं केयरफुल रहें. अगर आप इतना सेशन अटेंड करके, अगर आप इतनी इंफॉर्मेटिव बातें जान के भी अगर आप स्पेकुलेटिव है, जुआ खेल रहे हैं, देन प्लीज थैंक यू. मैं एक ही बात बोलता हूं, प्लीज फॉर गॉड से, मार्केट इज वेरी, देखिए यहां से लेके ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 11th of October टिल डेट नैस्डैक का 100-day मूविंग एवरेज कटा नहीं है. सो नैस्डैक हैज नॉट कट इट्स 100-day मूविंग एवरेज. अब ये कट चुका है, मैंने पहले भी बोला, अगर ये लाइन के नीचे क्लोजिंग हो गई, ब्लड बाथ इज नियर, प्लीज रिमेंबर. और ऐसा कहके मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ऐसा कहके मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी जो आने वाले टाइम पे जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं मार्केट में, उसके लिए तैयारी शुरू करें. डिप पे खरीदना है अपने को आप, क्योंकि मुझे भी लगता है पैसा सिर्फ बुलिश होके ही बड़ा पैसा बनता है. मैं खुद भी बहुत बुलिश हूं, लेकिन एक एक कहते हैं ना कि जो मार्केट में दिख रहा हो, अगर आप उसको ऐसे आंख बंद कर लेंगे और फिर बुलबुल 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 करेंगे,
ये जितना भूल है घंटे में साफ हो जाता है, आपको भी पता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बात है। एक शेयर को बढ़ने में महीनों लगते हैं, गिरने में एक दिन लगता है, आप जानते हैं। तो नैसडेक का इंडेक्स कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े खतरे का घंटी बजा रहा है। आप देख सकते हैं 100 दिन का मूविंग एवरेज टूट चुका है। अब अगला जो सपोर्ट है वो है क्लियरली है 200 डे मूविंग एवरेज। आपको मैं 200 डे का मूविंग एवरेज बता देता हूँ, वहां तक जा सकता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कोई नया है या पहली बार हो रहा है, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज 15,000 के पास, और मैंने लाइन भी यही बनाई है। तो ये W तो बनना ही है, आज नहीं बने या कल बने, कल ना बने परसों बने, लेकिन आपको केयरफुल रहना है। अगर आप अमेरिकन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, घटाएं नहीं। जैसे जैसे मार्केट गिरेगा बढ़ा सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि आप अपना एवरेजिंग कर सकते हैं पोजिशन का। कभी भी घबराने का नहीं, ऐसा नहीं है कि जीरो होने वाला है। कोलैप्स भी करता है तो रिकवरी भी उतनी फास्ट आती है। लेकिन एक टेक कंपनियों में कहीं ना कहीं आप सबको दिल से पता है कि जो वैल्यूएशन है वो बबल बन चुका है। केयरफुल रहने का समय है, और आप अपने आसपास के लोगों को भी बता सकते हैं मैसेज अगर आपको अच्छा लगा हो तो। कम से कम एक चीज का ख्याल रखें, मार्केट में पैसा बने ना बने, लेकिन ये सारी जो बातें हैं ना मूविंग एवरेज सीखने के लिए कुछ नहीं लगा दोस्तों, एक सिंपल सा लाइन है, क्लास 10th का भी बच्चा नोट बना सकता है। जैसे कि मैं कुछ कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी इंडियन मार्केट का चलिए ले लीजिए, बैंक निफ्टी। आप सब, मेरे दोस्त ने फिर से मुझसे सवाल पूछ दिया है व्हाट्सएप पे, मैंने बगल में ऑन कर रखा है। तो बैंक निफ्टी का भी शॉर्ट नहीं करने का, वरना शॉर्ट ऐसा वैसा हो जाएगा। आप देखिए बैंक निफ्टी का जो ये है, ये पहला तो 200 डे मूविंग एवरेज है, अभी उसके ऊपर निकल चुका है। अभी शॉर्ट करके जल्दीबाजी में पैसा खो सकते हैं आप। आपको फिर से देखने का, तो देखिए 200 दिन के बाद 100 दिन का मूविंग एवरेज, देखिए अभी 100 दिन के भी मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी इसको शॉर्ट नहीं मारने का। फिर 50 डे के भी ऊपर निकल चुका है, और लास्ट में 20 डे के तो ऊपर चल ही रहा है। तो बैंक निफ्टी अभी शॉर्ट नहीं मारने का, ये नहीं बोलने का कुछ का, तूने मुझे उस दिन वीडियो में बोला नैसडेक गिर रहा है तो मैंने बैंक निफ्टी शॉर्ट कर दिया, मैंने कभी नहीं कहा। हम भारत की जो शेयर बाजार है वो अमेरिकन मार्केट की परछाई जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी वहां नैसडेक गिर रहा है तो कल यहां बैंक निफ्टी गिरेगा। इट मे टेक टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव अ बजट ऑन 1st of February 2022, वी हैव गॉट इलेक्शंस इन यूपी, बिग इवेंट्स आर कमिंग and we can have big repercussions in the market. You all know that the global inflation numbers have increased in the highest way. बढ़ चुका है सबका सब, लेकिन मैंने आपको अभी तक निफ्टी, बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लिए कभी नहीं बोला। अभी तो ये बाइंग में बैठा हुए हैं, और बाइंग में ही बैठना है आपको, डिप पे बाई करने का अपना स्ट्रेटेजी बनाना है। लेकिन अगर आप 20 दिन का एवरेज देखेंगे तो यहाँ पे आता है 35,800। जब तक ये 35,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, शॉर्ट मत करें, क्योंकि हम अभी हो सकता है अमेरिकन मार्केट से थोड़ा सा अलग चल सकते हैं थोड़े दिन तक। आइए एक बार निफ्टी 50 देख लेते हैं। क्लियर कट है बॉस बाइंग, आप देख सकते हैं, शॉर्ट मत करिएगा इसको। शॉर्ट करिएगा शॉर्ट हो जाएंगे हम लोग, पूरा का पूरा कैपिटल चला जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऐसा कह के मैं आपको फिर से डरा नहीं रहा हूं, नॉलेज का यूज कीजिए बॉस, 50 लगाइए 50। आप देख सकते हैं कैसे ये नीचे गिर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां देखिए 100 के देखिए, देखते हुए चलिए, ये देखिए सब में अभी ऊपर है, 100 डे, 50 डे, 20 डे, 200 डे। फिर भी अगर मुझे किसी ने कह दिया पुष्कर मार्केट इज लुकिंग डूमिंग, तो मैं उसकी बात को तर्क के साथ बोलूंगा कि जब तक ये 16,300, याद रखिएगा पहले जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया है ना, अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से लिया है, तो जब तक ये 200 दिन का मूविंग एवरेज बड़े लेवल पे तोड़ता नहीं है, मार्केट में बड़ी बिकवाली नहीं आएगी। और 200 दिन का तोड़ने से पहले 20 दिन, 20 डे, मैं चैट पे लिख भी देता हूं जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं प्रोग्राम को, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे। सिंपल है। एक सवाल आ रहा है हमारे पास इंफोसिस के कंपनी के शेयर्स का, इंफोसिस कंपनी का सवाल आ रहा है मेरे पास गुजरात से, इंफोसिस कंपनी के क्या करें। देखिए साहब, दूर दूर तक अभी इसमें सेलिंग जरूर चालू है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज काफी दूर है। चलिए इसमें हम लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं,
शॉर्ट टर्म में दो दो 20 दिन का लगाते हैं. लुक एट दिस, 20 दिन के तो मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, तो खतरे की घंटी बज चुकी है. फिर भी घबराना नहीं है. क्यों नहीं घबराना है? देखिए इन्फोसिस में कई बार गैप्स बने हैं. देखिए यहां पे एक बना, दूसरा यहां बना, ये गैप फिल हो जाएगा. तो मित्र जिसने भी मुझसे सवाल पूछा इन्फोसिस का, आप सतर्क हो जाओ, इन्फोसिस की तैयारी कर लो 1740 रुपए आने की. अब ये कितनी जल्दी आएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये गैप जो यहाँ पे बना, एक गैप दो गैप, ये गैप तो फिल होके रहेगा. कुछ हो नहीं हो, ये गैप फिल होके रहेगा. बात समझ में आई तो ठोको यस, समझ में नहीं आए तो लिखो नो. इन्फोसिस में जो गैप बना है, ये गैप फिल होना कंफर्म है. मैं इसको मैं यहाँ पे आपके लिए एरो बना देता हूं, ये लो, ये गैप यहां तक फिल होगा. चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, वीकेंड का देना, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल सकता. आप चाहें तो इस वीडियो को मुझे डिसलाइक कर दीजिए, कल से शो पे मत आइए, लेकिन जो सच है वो कड़वा है. अभी बाई करिएगा पछताइएगा. मेरे हिसाब से ओवरबॉट जून में काफी फलती है शेयर. इसका मतलब ये नहीं है कि मंडे को शॉर्ट मार देना है. शॉर्ट मत कीजिए ना, अगर आपको शॉर्टिंग का आदत नहीं है तो. बाई ऑन द डिप्स पे बनिए, बिग बुल बनिए, नीचे से खरीदिए माल दबा के. लेकिन अभी आप खुद से पूछिए ना, क्या इन्फोसिस कंपनी टेस्ला की तरह रॉकेट बनाती है, स्पेसएक्स की तरह? जवाब खुद से पूछिए. क्या हम एक प्रोडक्ट कंपनी है? आंसर इज नो. स्टिल हैट्स ऑफ टू द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ इन्फोसिस. इंडिया का बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर क्रिएशन का स्टॉक है. मेरा धर्म है आपको सही डायरेक्शन देना. ये कभी नहीं कहना कि कंपनी खराब है, लेकिन इस वैल्यूएशन पे एक्सपेंसिव है जो मैंने बोल दिया. आज से 2 महीने बाद आप वीडियो देखिएगा, तो मैंने बोला ना मेरे सारे वीडियोस बाद में देखिएगा, तब आपको मेरा एहसास होगा कि मैं क्या कहना चाहता था. खैर समय की पाबंदी है. आप सबका धन्यवाद. वीकेंड है, दिन शुभ हो, समय शुभ हो.